नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आप सबका आरोग्य केंद्र के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरोग्य केंद्र में 8 दिवसीय रोग निवारण शिविर का प्रारंभ किया गया है। जीवन शैली से संबंधित सभी बीमारियों का हम यहां पर उपचार करते हैं। जीवन शैली में जैसे डायबिटीज, मधुमेह, ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, एसिडिटी, पेट में जलन होना, बैक पेन, कमर में दर्द, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, इन सभी बीमारियों का प्राकृतिक चिकित्सा में हम उपचार करते हैं। 8 दिवसीय रोग निवारण शिविर में जब आप आते हैं तो हम आपकी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं। आपकी जीवन शैली सुधार कर आपको हम ये सिखाते हैं कि आपको घर पे क्या करना है, क्या खाना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे विचार रखने हैं, कैसी हमारी सोच रखनी है। जिस प्रकार हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, उसी प्रकार पंच तत्वों से हम इनका उपचार करते हैं। जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हमें प्रकृति ने दिए हैं। इन 5 तत्वों के उपचारों से ही हम अपने जीवन में स्वास्थ्य ला सकते हैं एवं अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ कर सकते हैं। 5 तत्वों में जैसे मिट्टी से मड थेरेपी, पानी से हाइड्रोथेरेपी, तेज से सन बाथ, स्टीम बाथ, हीटिंग ट्रीटमेंट्स, वायु से एयर बाथ, एयर थेरेपी, प्राणायाम, और लास्ट तत्व आकाश तत्व जो है एम्प्टीनेस, उसको हम उपवास फास्टिंग थेरेपी के द्वारा ये उपचार देते हैं। कैंप में हम आपको पूरे दिन अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं। जैसे आप सुबह को उठेंगे, उठते से ही आप योग अभ्यास के लिए जाएंगे। योग अभ्यास के बाद आप योगिक क्रियाज के लिए आएंगे। जब योगिक क्रियाज होने के बाद आप हर्बल पेय, जिसको हम डिकॉक्शन काढ़ा भी बोलते हैं, वो हम आपको पिलाएंगे। काढ़े के बाद में आप जो व्याख्यान सुनेंगे, व्याख्यान में हम आपको बताएंगे कि आप बीमार क्यों हुए, आपको आपके कारण बताएंगे बीमार होने के, फिर उनके निवारण बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रखें। तो 1.5 घंटे का आपका व्याख्यान रहेगा जिसमें आप अवेयर होंगे कि आपकी बीमारी किस वजह से है। जब आप अवेयर हो जाएंगे उसके बाद हम आपको उपचार के लिए भेजते हैं। प्राकृतिक उपचार में आप पंच तत्वों से ही हम आपका उपचार करेंगे। वो 5 तत्वों में मिट्टी से हम मट पैक एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद पानी के ट्रीटमेंट्स हैं, आप पानी के ट्रीटमेंट्स में हम आपको हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे एनीमा, स्टीम बाथ, हिप बाथ, इमर्शन बाथ, उसके बाद में पैक्स, कंप्रेस। जब ये सारे ट्रीटमेंट्स आपके हो जाएंगे उसके बाद में हम आपको प्राकृतिक भोजन, अपक्व भोजन देंगे। जब अपक्व भोजन आप लेते हैं उससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा मिलता है, फाइबर मिलेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, उससे हमारी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। जब आपका भोजन हो जाएगा, 1 बजे से 4 बजे तक विश्राम का समय है, फिर शाम को 4 बजे व्याख्यान रहेंगे, 4 से 5:30 बजे तक, 5:30 बजे आप उपचार के लिए जाते हैं। उपचार से जैसे ही होके आएंगे आपको हम प्राकृतिक फलों के जूसेस देंगे। जूसेस के बाद में आप मेडिटेशन, ध्यान करने आते हैं ताकि आप अपने मन को संतुलित कर पाएं, अपने विचारों में नियंत्रण कर पाएं। वो मेडिटेशन के बाद में हम रात का आपका प्राकृतिक भोजन, अपक्व भोजन देते हैं। अपक्व भोजन लेने के बाद इंटरटेनमेंट का भी रखा है। दिन भर का स्ट्रेस जो आपको घर पे परेशान करता है, वो आरोग्य केंद्र में हम आपको टेंशन मुक्त, स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। आखिरी में 1 घंटा आपका मनोरंजन रहता है। मनोरंजन में अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज होते हैं, जैसे गरबा, सिंगिंग, भजन संध्या, ये सब चीज़ें
आरोग्य केंद्र के 8 दिवसीय शिविर में हम करवाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कैंप के दौरान हम आपको उपवास भी देते हैं। जैसे उपवास में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, हमारे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो तेजी से बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए 2 दिन का उपवास भी रहता है फलों के जूसेस पे। ये सब सुविधाएं न्यू मिनिमम चार्जेस पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम चार्जेस जैसे जनरल वार्ड में 8 दिन के लिए आप उपचार लेना चाहते हैं तो 4,500 रुपये देने होते हैं, अगर रूम लेके आप उपचार लेना चाहते हैं तो 6,000 रुपये देने होते हैं, और अगर एसी रूम लेना चाहते हैं तो 8,000 रुपये देने होते हैं। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना होगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। पहला सुख अगर प्राप्त करेंगे तो बाकी सुखों का लाभ ले सकते हैं। अगर काया ही स्वस्थ नहीं होगी तो बाकी सुखों का लाभ भी नहीं ले सकेंगे। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं और 8 दिवसीय रोग निवारण शिविर में जरूर आएं। अगले महीने अक्टूबर 23 तारीख से 30 तारीख तक 8 दिवसीय रोग निवारण शिविर का आयोजन किया जाना है। इस शिविर में श्रीमती धरती बहन अहमदाबाद से भोपाल पधार रही हैं, जो कि न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हैं। उन्होंने खुद प्राकृतिक अपक्व भोजन को अपनाया है, साथ ही साथ श्री वर्दी भाई भी उनके साथ में आ रहे हैं। उनको लगभग 50 साल का प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का अनुभव है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इस शिविर में जब प्रशिक्षण हम देते हैं, आपको हम सिखाते हैं तरह तरह के प्राकृतिक व्यंजन, अपक्व भोजन कैसे आप घर पे बनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, साथ ही साथ परिवार को स्वस्थ रखें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जब स्वस्थ होंगे आप, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ भारत का निर्माण अवश्य होगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर गुलाब एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।